आएगा। कहानी का नाम है संगीत बदले की आग, संगीत बदले की आग, उर्फ डाकू लाखन सिंह। आज मेरा दिल कुछ और ही कहता है। क्या कहता है चाचा? सुने बेटा, कहिए। काबे ने मजदूरी, अरे काबे ने मजदूरी, इनाम मदीने। अच्छा, क्या बात है? अरे हाँ बेटा, आज कितना वक्त हो गया? हाँ हाँ, क्या बात, क्या है? बिना मुझसे, बिना इजाजत लिए, हाँ, मेरी बेटी सगीना कभी कॉलेज को नहीं जाती थी। सही कहते चाचा, मगर इतना वक्त हो गया है, कहीं क्या तुमने मेरी बेटी सगीना को देखा है? ओ चाचा, वो बेटी आपकी सगीना बेटी, वो सामने से आ रही है। देखिए वो सामने से, वो आ रही सामने से। अबूजी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अरे अबूजी के किस्मत में सकीना मुरझाया सा चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता है। शायद आपको मालूम होना चाहिए, जब से
अम्मी जान का देहांत हो गया। हाँ बेटी सकीना, तब से तुम सच कहती हो, क्योंकि जब से तुम्हारी माँ का देहांत हो गया है, देखभाल मैं सारी अपने हाथों से अपनी बेटी सकीना का करता हूँ। सच कहते हो अब्बूजान? बेटी सकीना, आज तेरा अब्बूजान तुझसे कुछ सवाल करना चाहता है। हमसे? हाँ बेटी। ऐसा कौन सा सवाल है जो अब्बूजान आप मुझसे करना चाहते हैं? अरे क्योंकि मैं आपका अब्बू हूँ और तू मेरी बेटी है। क्यों नहीं, क्या पूछना चाहते हैं? पढ़ाई का क्या है समाचारी पे? बेटी मैं उस अल्लाह पाक की मैंने इतनी बड़ी इबादत की है, मैं उनसे रात दिन दुआ यही मांगता था कि मेरी बेटी अपने मुखारविंद से मुझे खुशी की ही बात बताए। अबू? हाँ बेटी। इस साल मैंने बीए भी फाइनल किया, लेकिन आपको जब देखती हूँ तो मुझे बहुत घबराहट सी महसूस होती है। शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए, अगर आज के दिन अम्मी जान होती तो अपने घर में कितनी खुशी होती। हाँ बेटी सकीना। अब्बू जान, आज मेरे कॉलेज जाने का समय हो रहा है और मैं कॉलेज जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है? ठीक है बेटी सकीना। और कादे से जाना? तुम्हारे लिए खाने पीने की व्यवस्था मैंने बना दी। अब्बूजान, मैंने तुम्हारे लिए खाने पीने की व्यवस्था सब तैनात कर दी है। ठीक है बेटी सकीना। जब तुम जाहिर बदतमीज कह क्या, तुझे सलाम करना नहीं आता? सलाम वाले तुम बाजी कहा जाता है? कहा जाता है सलाम अलैकुम। हम क्या कहते? तुम गुस्ताखी माफ हो जाता। वालेकुम सलाम बहजान, और बताओ? सब अल्लाह के द्वारे है। अल्लाह की दुआएं कहते हो? अल्लाह के द्वारे हम तुम्हें मारना नहीं चाहते। पाजी हमका मरती नहीं, खाली पार करती है। पार नहीं, पाई का नहीं। पाजी मरती है क्या?
प्यार करती हूँ। बाजी कहाँ जा रही है? स्कूल। हाँ तुम चलाओ, हम हो भैया तुम्हारे पढ़े हुआ गरीबा। अरे बेटा, इसीलिए कहते हैं बिना पढ़े नर पशु कहावे, और जहाँ जाए तहाँ हंसी बनावे। कौन हंसी वाली बात हुई गए? देखो भाई जान, आपको मालूम होना चाहिए इस इतवार को स्कूल नहीं खुलता है। वो संडे छुट्टी का दिन होता है। छुट्टी होते है और क्या, हम कहीं साथ पढ़ाई होती हुई दिन है। आज चलो, आज चलोगे? बाजी चलिए, तुम्हारा बस्ता है? हाँ बस्ता हमारा द्वारे रखा है। आप बहुत अच्छे इंसान है। हाँ बाजी जानते हैं कितने लुच्चे इंसान है। अच्छे इंसान हो। हाँ वह वह वह। अगर बदतमीजी करोगे तो आज से तुम्हारा खाना पानी सब बंद। बाजी ऐसा करो, मैं मर्जी बाबू के। चिंता मत कर, तुम्हारा ही तो सहारा है, आप ही तो इतने अच्छे हमारे भाईजान हैं। हाँ बस बस, खाली दो साल बीते फिर सहारे सहारा है। ये बात सही है, ये बात तुम्हारी हकीकत। तीन महीना रह गए हैं, खाली बीत जाए बस सहारे सहारा है सब। चलो चिंता मत करो, ये भी दिन कांटों में काट डालो। बोला नहीं, चलो चलो बस्ता उठाओ, स्कूल चलते हैं। और कहते से जाना अपने रास्ते से, इधर उधर मत। अब्बू जान। हाँ बेटी। अपने रास्ते जाऊंगी और अपने रास्ते आऊंगी। जाइए बेटी, चलते हैं। सलाम अलैकुम। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरी बेटी मेरे लिए खाना भी पका करके रख गई है, मुझे चल करके खाना खाना चाहिए। और मेरी बेटी तो सकीना कॉलेज को भी जा चुकी है। ये ठहरे जुम्मन मियां, उन्हीं की बेटी शकीना। अब आप लोगों के सामने पेश हो रहे हैं प्रधान परशुराम। प्रधान परशुराम पेश हो रहे हैं, और देखिए क्या बातचीत करते हैं प्रधान जी वो सामने से। मुझे लोग कहते हैं प्रधान परशुराम। मैं क्या बताऊंगा का मौजूदा प्रधान हूं। इस साल काफी वोटों से विजयी हुआ हूं। हमारे ग्रामवासियों की मदद से मैं बहुत वोटों से विजयी हुआ हूं, और कर राम 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 राम। नौकर भैया ये बताओ, जब से मैं प्रधानी जीत कर अपने घर में आया हूं, हमारी कोई रैयत में किसी बात की परेशानी तो नहीं? प्रधान जी आपके होते हुए कोई परेशानी? प्रधान जी अगर बात कहिए, क्या कहना चाहते हो? वो आज हम कानूनी दे रहा हूँ, बनवा ले, बनवा ले, बनवा ले जी। हाँ, और बुआ बुआ हमारी कुछ कहती रहे। क्या कहा था? कहते रहे प्रधान कॉलोनी दे देने का टट्टी खाई गए। अगर तुम्हें आवास मिला है, तुम्हें लैटरिन भी मिलेगी। अच्छा लैटरिन कहा था, हम कहीं टट्टी कहा। कहने में तुम अनपढ़ हो। आ प्रधान जी जानते हो कहे। ठीक है नौकर प्रधान, ये तुमको मालूम होना चाहिए कि ग्राम पतौजा के अंदर किसी जनता को किसी बात की परेशानी नहीं होना चाहिए। प्रधान जी हमारे होते हुए कोई परेशानी नहीं हुई। और जिस इंसान को जिस चीज की जरूरत पड़े, हाँ हाँ, हमारे खजाने से पैसा ले जाओ और उनको बांट दो। सच प्रधान जी। हाँ क्या कहना चाहते हो? जन वो राशन कार्ड हमका मेहमान बनाए रहो, हाँ हाँ, वही में हमारा तीन यूनिट छूट गए हैं। तीन यूनिट छूट गए हैं? हाँ हमारा हो, और हमारे मेहरुओं का है, और हमारे सात लड़का है, वही और सब चढ़े ना है, यूनिट चढ़वाई दे हमारा। तुमने उसका आधार नहीं बनवाया था? आधार सबके दे रहा है, सबके आधार। हाँ प्रधान जी सबके आधार ऑनलाइन करवा दीजिए। ठीक प्रधान, हम तुम्हारा अंत्योदय लाल कार्ड बनवा देंगे। हाँ लाल कार्ड बनवा दे, तुम्हारा राशन ज्यादा। हमने हमारी बहुत मदद किया है, हाँ इसलिए तुम्हारा लाल कार्ड बनवा देंगे। हाँ ठीक प्रधान जी, लाल कार्ड बनवा देंगे। प्रधान
काफी समय हो गया है, लेकिन हमारे बेटा लखन और सूरज अभी तक नहीं आए हैं। प्रधान जी कहिए क्या बात है, बैठो। अभय हम बुलाए, अभय हम बुलाए हैं। भैया सूरज और लखन भैया, आपके पिता श्री याद किया है। बापू से पूछना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हैं पिताजी? बेटा मेरे लाल, बोलो पिताजी। आप लोग हमेशा अभी तक हमारा राम नाम रोशन किया है, आप लोगों ने कभी फेल नहीं। क्यों नहीं बापू? इसलिए प्रधान परशुराम का नाम पतौंजा के अंदर चलता है कि प्रधान जी के जो बेटे हैं लखन और सूरज इतने नेक बंदे हैं, कभी पढ़ाई में फेल नहीं होते हैं। देखिए पिताजी, पढ़ने से अपना कभी दिल नहीं चुराता हूं। क्यों नहीं बेटा? अगर तुम लोग पढ़ लिखकर परशुराम प्रधान का नाम रोशन करोगे तो ये रैयत भी कहेगी कि परशुराम के बेटे परशुराम की तरीके से चलते हैं। क्यों नहीं पिताजी? और पढ़ाई का क्या मेरे लाल, मेरे बेटा? और पढ़ाई का क्या है समाचार?
खालिद के बारे में जानना चाहते हैं। हम अवश्य बताएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? बताएंगे। पिताजी, आप हमारे पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हो? और पढ़ाई किया जी, मेरे लाल कहिए क्या बात है? मैं बीए फाइनल करके आ रहा हूँ। ये फाइनल करके आ रहे हो पिताजी? बहुत अच्छी बात है मेरे लाल। और जितनी इच्छा थी मैंने पढ़ाई कर लिया है, और मैंने सोचा कि आप हमारे पिता प्रधानी कर रहे हैं। क्यों नहीं मेरे लाल, अब पढ़ाई करके मैंने डिग्रियां प्राप्त कर ली है, क्यों ना अब मैं अपने बाप का हाथ राजनीतिक में बढ़ाऊं? क्यों नहीं बेटा, और अपने बाप जैसे इस ग्राम सभा की सेवा कर सकूं, यही मेरी पिताजी इच्छा। और बड़े भैया से पिताजी मेरे कालीन का समय हो गया। समय तो अगर समय से कालीन नहीं पहुंचते हैं तो गुरुजी बहुत नाराज हो जाएंगे। क्यों नहीं बेटा? पिताजी आप जा सकते मेरे लाल। और बेटा फायदे से कॉलेज को जाना, रास्ते में इधर उधर टहलना घूमना नहीं। ठीक है मेरे लाल। पिताजी मैं चल रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग हमारे इंतजार में। ओ क्यों नहीं, आपका तो इंतजार। हाँ अरे ढोकर तुम हिया घूम रहे हैं, आज दिन कौन है? आज दिन कौन है? अरे कुछ जान ही पायो? आज तो रक्षा बंधन का दिन है। अरे मुझे ख्याल आया, आप सकीना बाजी इंतजार तुम्हारे दोजन करती। सकीना बहन तो मेरा इंतजार करती होगी। अगर मैं समय से नहीं पहुंचूंगा तो हो सकता है मुझसे वो रुठ जाए। नाराज हो भैया सूरज, ये तो मेरे दिमाग से बात हट गई, क्योंकि आज हिंदू के बहुत उत्तम त्योहार है। आज जिस भाई के बहन नहीं होती है वो भाई उस दिन दिन भर निराश रहता है, और जिस बहन के भाई नहीं होता है वो बहन अपने दरवाजे पे बैठ करके रोती है। सच कहते हो भैया, इसलिए चलो चलते हैं भैया, पहले अपने बहन सकीना से मिलते हैं। क्यों नहीं भैया, राखी बनाते हैं उसके बाद में क्यों मेला चलते हैं? क्यों नहीं, आज मेला भी है ना, उसके बाद मेला टहलते हैं। क्यों नहीं टहलेंगे भैया, चलो भैया। को चले गए हैं, तब तक अभी चौपाल में बैठूंगा, कुछ ग्रामवासियों से बात। परशुराम प्रधान को लाला करता है प्रणाम।
लाला प्रधान जी, कहिए क्या बात है? आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर क्या बात है कहिए? अरे परशुराम, तुम बात करो और सुनिए के कर ध्यान। इतराज नहीं है, लेकिन 15 लाख रुपए ठाकुर रणवीर सिंह के जो खाते से तुम्हारे खाते में आए हैं, वो 15 लाख रुपए हमें लाओ। अरे मुनीम, तुझे ये नहीं मालूम, ये 15 लाख रुपए जो हमारे खाते में आए हैं, आए रणवीर सिंह के प्रधानी हार जाने के बाद, हाँ, हमारे खाते में जो 15 लाख रुपए आए हैं, आए वो गरीब जनता के, गरीब जनता के हैं। और क्या, रणवीर सिंह के बाप का पैसा है? हाँ। हाँ। जाए जनता, भाड़ में जाए जनता। परशुराम प्रधान, तुम अपनी औकात भूल गए हो। अरे तुम तो जनता के लिए न्याय कर रहे हो, लेकिन प्रधान ठाकुर रणवीर सिंह हम लोगों के लिए मर रहे हैं। अरे बने, ये हमारी हमारी अय्यासी, हमारी अय्यासी, और ये हमारी शराब, हमारी गुंडाई है, तो हमारे सबकी काम। ओ, यानी गुंडाई से तुम पैसा लेने आए हो। अरे मादर चोर, रणवीर सिंह के चमचे उसके तलवा चाटने वाले मुनीम, अच्छा प्रधान परशुराम से इस तरीके से बात करते हो? ए परशुराम, लाला सिंह, ये 15 लाख रुपए जनता का है। लाला सिंह, जनता को देंगे, ये रणवीर सिंह के बाप का नहीं है। हाँ, परशुराम क्या कहना चाहता है? सर उठा करके बातचीत कर रहे हो? मौजूदा भी लाला मुनीम से आए। रणवीर सिंह के तलवे चाटने वाला मुनीम परशुराम प्रधान से इस तरीके से, अभी तो तुम्हें हम कह रहे थे परशुराम प्रधान, सुन रहे हैं परसुआ? वरे, अब हमारा कमाल देखो लाला मुनीम का, जुबान संभाल कर बात कर। वरा साले,